नमस्कार साथियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। क्यूएस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। रोज की तरह आज भी 11 अप्रैल 2022 की करंट अफेयर लेकर आए हैं। और करंट अफेयर की शुरुआत करें इससे पहले आज के सुचार की बात करें। और आज का सुचार जैसा आपने देख लिया है कि मंजिलें भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, देखते हैं कल क्या हो, क्योंकि हौसले भी तो जीतती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आज के सुविचार को आप समझे होंगे। आगे बढ़ते करंट अफेयर को लेकर दोस्तों। दोस्तों पहली जो करंट अपनी वो है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, जो कि 11 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये गर्भवती महिला को स्वास्थ्य सेवा तक उचित पहुंच के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। साथ ही ये अभियान जो है दोस्तों व्हाइट रिबन एयरलाइंस WRAI द्वारा किया गया था। और एक समय पर भारत को जन्म देने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक माना जाता था, क्योंकि वैश्विक स्तर पर सभी मातृत्व मात्र जो है वो मृत्यु में 15% भारत से था। और ज्योतिबा फुले की जयंती की बात करें दोस्तों, तो प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और 11 अप्रैल 1827 को इनका जन्म हुआ था। वह महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने जाति व्यवस्था और छुआछूत के उन्मूलन और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया। और उन्होंने 1848 में दोस्तों पुणे में क्या दोस्तों पुणे में लड़कियों के लिए अपना पहला स्कूल शुरू किया था। और उन्होंने निचली जातियों के लोगों के लिए लड़ने के लिए सत्य शोधक समाज, यानी कि सत्य साधकों का समाज की स्थापना इन्होंने करी। विश्व पार्किंसंस दिवस की बात करें, 11 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। और इस बीमारी के लक्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला है जिसमें कंपन, जकड़न, संतुलन समन्वय की परेशानियों से लेकर चलने में कठिनाई तक शामिल है। ये दिन जो जेम्स पार्किंसन की वर्षगांठ का भी प्रतीक है, जिन्होंने 1817 में पहली बार इस बीमारी को पहचानते हुए एक निबंध यानी कि ऑन द सेंकिंग पॉलिसी लिखा था। उन्होंने निबंध लिखा था। बात करें पाम संडे की, तो 10 अप्रैल 2022 को मनाया गया। पाम संडे 10 अप्रैल 2022 को मनाया गया और यह ईस्टर से पहले का रविवार है, जिससे पवित्र सप्ताह की शुरुआत होती है। ये अवसर यरूशलम में यीशु की आगमन को दर्शाता है। साथ ही जब यीशु गधे पर सवार होकर यरूशलम नगर में गए तो एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और उन्होंने पाम की डालियां और उनके वस्त्र सड़क के पार रख दिए और यीशु का राजसी स्वागत किया। लोग होसना होसना का जाप करते हैं, जिसका अर्थ है हे भगवान हमें बचाई। 11 अप्रैल 2022 से शुरू होगा दोस्तों चौथा भारत अमेरिका 2+2 ठीक है मंत्री स्तरीय संवाद। ठीक है, दो मंत्री स्तरीय संवाद होगा। चौथा भारत अमेरिका दो मंत्री स्तरीय संवाद 11 अप्रैल 2022 को आयोजित किया जाएगा, यानी कि कल हो चुका दोस्तों। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। अमेरिका का प्रतिनिधित्व जो है वो विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन करेंगे। दोनों देशों के बीच पिछली दो मंत्री स्तरीय वार्ता अक्टूबर 2020 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बात करें भारतीय सेना DRDO ने किया पिनाका MK-1 प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण। तो पिनाका MK-1 एनहांस्ड रॉकेट सिस्टम EPRS और पिनाका एरिया डिनाइल म्यूनिशन ठीक है म्यूनिशन यानी कि ADM रॉकेट सिस्टम का अप्रैल 2022 में DRDO और भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। और पोखरण फायरिंग रेंज में इसका परीक्षण किया गया और 2 सप्ताह की अवधि के दौरान विभिन्न रेंजों के लिए कुल 24 EPRS रॉकेट दागे गए हैं। और पिनाका रॉकेट जो है वो प्रणाली को आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है। साथ ही बात करें दक्षिण मध्य रेलवे ने शुरू की एक स्टेशन एक उत्पाद पहल। दक्षिण मध्य रेलवे SCR अपने पहले सभी 6 डिवीजनों में 6 प्रमुख स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू करी है। सिकंदराबाद, काचीगुड़ा, विजयवाड़ा, गुंडूर और औरंगाबाद स्टेशनों पर भी स्टॉल खोले गए हैं। सरकार ने आम बजट 2022 और 23 में नई पहल की घोषणा की थी और तिरुपति में पहले से इसका परीक्षण चल रहा है। साथ ही बात करें तो पाकिस्तान ने आयोजित किया शाहीन-3 सफलतापूर्वक परीक्षण। पाकिस्तान की सेना ने 9 अप्रैल 2022 को सप्ताह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-3 का सफल जो उड़ाने और परीक्षण किया है। ये 2750 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेज सकती है। ये सॉलिड फ्यूल है
और पोस्ट सेपरेशन एल्टीट्यूड करेक्शन यानी कि पीएसएसी सिस्टम से लेस है, और ठोस ईंधन जो है वो त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता के लिए उपयुक्त है। ये मिसाइल का पहली बार परीक्षण मार्च 2015 में किया गया था। इमरान खान ने खोया अविश्वास प्रस्ताव। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से बेदखल हो चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार को विपक्ष द्वारा उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में विफल रहने के बाद 9 अप्रैल 2022 को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, और उन्होंने 2018 से पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह एक पूर्व क्रिकेटर भी हैं, और खान ने 3,807 रन बनाए और टेस्ट क्रिकेट में 362 विकेट लिए, और उन्हें आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट एसीसीआई में गुजरात ने बड़े राज्यों के बीच शीर्ष स्थान हासिल किया है। गुजरात के बाद केरल और पंजाब का स्थान है। छोटे राज्यों में गोवा आयोग के सूचकांक में सबसे ऊपर है, और उसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर है। इस सूचकांक का उद्देश्य डिस्कॉम के प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता आदि सहित 6 मानकों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर यूटीएस की रैंकिंग करना है। बात करें, भारत ने ग्लासगो में जीते महिला युगल और मिश्रित युगल क्रेस किताब। दीपिका पल्लिकल ने 9 अप्रैल 2022 को ग्लासगो में विश्व युगल स्पेस चैंपियनशिप में क्रमशः ज्योत्सना चिनप्पा और सौरव घोषाल के साथ महिला युगल और मिश्रित युगल खिताब जीता। और स्कॉटस्टन जो है स्कॉटस्टन लीजर सेंटर में फाइनल में दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल ने इंग्लैंड के एड्रियन वालर और एलिसन वाटर को 11-6 और 11-8 से हराया। वे भारत के पहले विश्व युगल स्क्वैश चैंपियन बने हैं। और चार्ल्स लेक्लेयर की बात करें तो चार्ल्स जो लेक्लेयर है उन्होंने जीता ऑस्ट्रेलिया F1 ग्रांड प्रिक्स। 2022 में दूसरी बार जीत हासिल करने के लिए चार्ल्स लेक्लेयर ने 10 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स जीता। सर्जियो पेरेस दूसरे और मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल तीसरे स्थान पर रहे हैं। लैंडन नॉरिस और डेनियल रिकार्डो जो है वो क्रमशः 5वें और 6वें स्थान पर रहे। फॉर्मूला वन अब 24 अप्रैल को एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स के लिए इटली के लिए रवाना होगा। इसके बाद 8 मई 2022 को मियामी ग्रांड प्रिक्स का उद्घाटन किया जाएगा। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग में भारत ने जीते 10 पदक। दोस्तों 9 अप्रैल 2022 को फुकेट में थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में अमित पंघाल और आशीष कुमार ने क्रमशः पुरुषों के 52 किलोग्राम और 81 किलोग्राम स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। भारत ने 10 पदक, 3 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य के साथ टूर्नामेंट का समापन किया है। और गोविंद साहनी जो है वो पुरुषों के 48 किलोग्राम केजी और अनंत प्रहलाद चोपड़े पुरुषों के 54 केजी और सुमित कुंडू पुरुषों के 75 केजी तीनों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। दोस्तों तो उम्मीद है कि हम जो आपके लिए करंट अफेयर लेकर आए थे दोस्तों 11 अप्रैल की, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज हुई और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी जल्दी आप अपने करंट व्यू को दोस्तों शेयर कर दीजिए, करंट व्यू को लाइक कर दीजिए, और आफिका चैनल है केवल किरण ऑनलाइन हिस्ट्री दोस्तों, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में राइट कॉर्नर में बेल आइकन दिखेगा, इसे भी प्रेस कर इसे ऑल नोटिफिकेशन पर रख दीजिए। तो आज का दिन शुभ बीते, इन्हीं शुभकामनाओं से धन्यवाद दोस्तों।